जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और अचानक तुम्हें पता चले कि दुनिया में 100 साल बीत चुके हैं। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम हर्षल और सेरा नाम के एक जवान यहूदी जोड़े को देखते हैं जो यूरोप से अपनी जान बचाकर साल 1919 में अमेरिका भाग आए थे। उन दोनों की ये दिली तमन्ना थी कि वो खुद की कब्र खरीदने लायक पैसे जोड़ सकें। हर्षल आचार की फैक्ट्री में नौकरी करने लगा जहां उसे 10 चूहे मारने पर 1 सेंट मिलता था। उन दोनों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार साथ साथ 2 कब्र खरीदी ताकि वो दोनों मरने के बाद भी एक साथ रह सकें। जल्द ही सारा प्रेग्नेंट हो गई, पर फिर एक दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन हर्षल गलती से आचार के डब्बे में गिर गया और उधर सरकार ने बढ़ती बीमारियों को देखकर फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन सभी डब्बों को ढक दिया गया और इसी तरह हर्षल अगले 100 साल के लिए इसी डब्बे में कैद हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा पर कोई भी हर्षल को ढूंढने नहीं आया। आखिरकार 100 साल बाद 2 लड़के वहां आ पहुंचे और अचानक उनका ड्रोन उस डब्बे के ढक्कन से जा टकराया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया तो अचानक हर्षल बाहर निकला और उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हैरानी की बात तो ये थी कि 100 साल के बाद भी हर्षल जिंदा था और एकदम सही सलामत भी। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने बताया कि वो आज तक जिंदा कैसे रहा। इसके बाद हर्षल को जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया पर वो एकदम ठीक था। डॉक्टर्स ने पता लगाया कि हर्षल के परिवार के सभी लोग मर चुके थे और अब सिर्फ उसका पड़पोता बेन ही जिंदा था। आखिरकार बेन को बुलाया गया और वो अपने परदादा हर्षल को खुशी खुशी लेने पहुंचा। हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। खैर, जब हर्षल हॉस्पिटल से बाहर निकला तो आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें और गाड़ियां देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार वो हर्षल को ब्रुकलिन में अपने घर पर ले आया। उसका घर देखकर तो हर्षल के होश ही उड़ गए क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई थी। बेन ने कहा कि वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकता है, लेकिन हर्षल उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। खैर, बाद में बेन ने उसे सेल्जर वाटर पिलाया जो हर्षल के जमाने में सिर्फ अमीर लोग ही पी सकते थे। उसे पीकर तो हर्षल काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर बेन ने एलेक्सा से कहकर एक पुराना गाना बजाया और दोनों मस्ती में नाचने लगे। कुछ देर बाद हर्षल ने बेन से पूछा कि वो काम क्या करता है, पर जब बेन ने बताया कि वो एप्स बनाता है तो हर्षल को कुछ समझ नहीं आया। बेन ने बताया कि वो पिछले 5 साल से बूप बॉप नाम की एक ऐप बना रहा है जिससे लोग सामान खरीदने से पहले जांच कर सकते हैं कि ये कंपनी भरोसे लायक है कि नहीं। पर हर्षल ने देखा कि दीवारों पर तो उनके परिवार की कोई तस्वीर नहीं थी, तो बेन अपने कमरे से एक एल्बम लेकर आया। जब हर्षल ने सारा की तस्वीर देखी तो उसकी आंखें भर आई। फिर उसने बेन से अपने माँ बाप यानी अपने पोते और बहू के बारे में पूछा, पर बेन ने भारी मन से बताया कि वो एक दुर्घटना में मारे गए थे। फिर अगले दिन वो दोनों अपने परिवार वालों की कब्र पर गए, पर सारा की कब्र की इतनी बुरी हालत देखकर हर्षल वहीं रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी कब्र के ऊपर रूसी शराब के पोस्टर लगाए जा रहे थे। इसे देखकर हर्षल को उन्हीं रूसी फौजियों की याद आ गई जिनसे बचकर वो अमेरिका आए थे। इसके बाद हर्षल ने गुस्से में उन लोगों से पोस्टर्स हटाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो हर्षल हाथापाई पर उतर आया। बेन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो खुद ही पिट गया और फिर उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार बेन ने बहुत सारा पैसा देकर अपनी और हर्षल की बेल करवाई। फिर हर्षल ने बेन से कहा कि उसे अपनी ऐप के लिए किसी इन्वेस्टर से पैसे मांगने चाहिए, लेकिन वहां जाते ही बेन का दिल टूट गया क्योंकि उसके गिरफ्तार होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर उसकी ऐप में पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था। बेन ने गुस्से में आकर इसका इल्जाम हर्षल पर लगाया, पर हर्षल तो चाहता था कि बेन ये ऐप वैप बनाना छोड़कर उसके साथ आचार का बिजनेस शुरू करे। इससे बेन को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा कि अगर परदादी आज जिंदा होती ना तो कहती कि क्या नल्ला पति मिला मुझे। उसी पल हर्षल ने ठान ली कि वो आचार का इतना बड़ा बिजनेस बनाएगा कि उसके मरे हुए परिवार वालों को भी उस पर गर्व होगा। उसने बेन से वादा किया कि वो इतने पैसे कमाएगा कि सारा की कब्र के ऊपर लगे उन पोस्टर्स को खरीद कर हटा सके। उसने भी ताव में कह दिया कि बेन इस परिवार के नाम पर कलंक है और वहां से चला गया। सबसे पहले वो किराने की दुकान पर खीरे खरीदने पहुंचा, लेकिन वो उसकी औकात से बहुत महंगे थे। फिर बाहर उसकी नजर कूड़ेदान पर पड़ी जहां उसे पैकेट में कुछ खीरे दिखाई दिए। उसने तुरंत वो खीरे उठाए और इसी तरह शहर के कई कूड़ेदानों में घूमकर आचार बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। फिर उसने एक रेडी पर सामान रखकर नमक और बारिश का पानी मिलाया और आखिरकार खीरे का आचार बनकर तैयार। इसके बाद उसने सड़क किनारे आचार का ठेला लगाया और अपना पहला डिब्बा $4 में बेचा। उसने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया और यह आचार दुकान से काफी सस्ता था, इसीलिए जल्द ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई।
हर्षल ने लोगों से कहा कि वो आचार खत्म होने के बाद उसी डब्बे में फिर से आचार भरवा कर ले जाएं। दरअसल ये कुछ और नहीं, सिर्फ उसकी कंजूसी थी, लेकिन लोगों को लगा कि उसे अपने आसपास की प्रकृति की बहुत चिंता है। देखते ही देखते लोगों ने उसके बिजनेस के बारे में सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसके इतने कस्टमर बढ़ गए कि उसने सोचा ही नहीं था। उधर बेन अपनी ऐप के काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा था और जब उसे हर्षल के नए बिजनेस की खबर मिली तो वो जल उठा। एक दिन उसने हेल्थ डिपार्टमेंट में फोन करके शिकायत कर दी कि हर्षल अपना आचार कूड़ेदान से उठाए सामान से बनाता है। फिर अगले ही दिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसका ठेला बंद कर दिया और उसे $12,000 का जुर्माना भरना पड़ा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, पर तभी उसके दो ग्राहकों ने उसे सलाह दी कि उसे कुछ इंटर्न्स काम पर रख लेने चाहिए, उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और काम भी हो जाएगा। इससे हर्षल की उम्मीद फिर से जाग उठी। हालांकि उसे लग रहा था कि ये तो गुलामी जैसा सा काम हो गया कि काम भी पूरा ले रहे हैं और पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी बिजनेस चलाने के चक्कर में उसने कुछ इंटर्न्स को काम पर रख लिया। जल्द ही वो हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक आचार बनाने लगे और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके बिजनेस को हरी झंडी दे दी। फिर अपने इंटर्न्स की मदद से हर्षल ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया और आखिरकार उसके पास पोस्टर खरीदने लायक पैसे इकट्ठा हो गए। उधर बेन को पता चला कि जिस इन्वेस्टर के पास वो गया था, अब वो हर्षल के बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं। तभी हर्षल वो पोस्टर लेकर अपनी जीत का जश्न मनाने बेन के घर आ पहुंचा। हर्षल बेन की मदद करना चाहता था क्योंकि आखिरकार वो ही तो एक दूसरे के सगे हैं, पर बेन को उससे कोई वास्ता नहीं रखना था। तभी बातों बातों में हर्षल ने कह दिया कि पोलैंड के लोग तो बेवकूफ होते हैं, और ये सुनकर बेन को एक और खुराफात सूझी। उसने हर्षल को ट्विटर अकाउंट बनाने की सलाह दी और उस रात हर्षल ने धड़ाधड़ धर्म, औरतों और शादी जैसे मुद्दों पर अपनी साल 1900 वाली पुरानी सोच के ट्वीट्स डाल दिए। इससे नाराज होकर कई लोग अगले दिन उसके बिजनेस का बहिष्कार करने लगे और तो और उसके इंटर्न्स भी उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हर्षल अपनी सोच पर कायम रहा और कुछ ही दिनों में पुरानी सोच वाले लोगों ने उसे अपना हीरो बना लिया। फिर एक दिन उसे एक कॉलेज प्रोफेसर के साथ डिबेट के लिए बुलाया गया। तभी बेन ने भीड़ में छिपकर हर्षल से क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछा। इस पर हर्षल बेधड़क कहने लगा कि वर्जिन मैरी ने तो ईसाई धर्म अपने फायदे के लिए बनाया है, क्योंकि वो अपने नाजायज रिश्ते को छुपाना चाहती थी। और तो और उसने यहाँ तक कह दिया कि जीसस में विश्वास रखने वाला हर एक इंसान बेवकूफ है। ये सब सुनकर तो जो जो लोग उसके साथ थे उन्होंने भी हर्षल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पर उस बेचारे ने जैसे तैसे गली में छिपकर अपनी जान बचाई। उस रात उसने टीवी पर खबर देखी कि सरकार उसे वापस यूरोप भेजने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने हर्षल पर गैर कानूनी तरीके से यूरोप से अमेरिका आने का इल्जाम लगाया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए हर्षल बेन से मदद मांगने पहुंचा। उसने कहा कि वो जंगल से होता हुआ कनाडा चला जाएगा और वहां अपना बिजनेस शुरू करेगा। आखिरकार बेन भी उसकी मदद करने को राजी हो गया और अगले दिन वो दोनों जंगल के रास्ते कनाडा में घुसने के लिए निकल पड़े। पर रास्ते में बेन को चोट लग गई तो हर्षल ने अपने कपड़े का हिस्सा फाड़ कर उसके जख्म पर लगाया और रात की ठंड में उसे गले लगाकर सो गया। हर्षल के दिल में अब भी बेन के लिए उतना ही प्यार था। फिर अगली सुबह वो कनाडा की सरहद तक पहुंच गए, पर तभी अचानक उन्हें फौजी दिखाई दिए, इसीलिए उन्हें तुरंत छिपना पड़ा। अब बेन को हर्षल के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने सब सच बता दिया कि उसने ही हर्षल से वो ईसाई धर्म वाला सवाल पूछा था ताकि हर्षल का धंधा चौपट हो जाए। बेन ने उससे माफी मांगी, पर हर्षल ने तो गुस्से में उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। इससे बेन वहीं बेहोश हो गया और यही हलचल सुनकर फौजी उनकी ओर बढ़ने लगे। अब हर्षल तुरंत छिप गया और उसने बेन के बैग से उसका रेजर और कपड़े निकाले। कुछ ही पलों में उसने दाढ़ी काट कर बेन का भेस बना लिया और फौजियों को चकमा देकर निकल गया। उधर जब फौजियों को बेन मिला तो उन्होंने उसे हर्षल समझकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बेन पर मुकदमा चलाया गया, पर बेन की कहानी पर किसी को विश्वास नहीं था। आखिरकार असली हर्षल की जगह उसे ही वापस यूरोप में एक गाँव में छोड़ दिया गया। यहाँ बेन बिल्कुल अकेला पड़ गया क्योंकि कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता था। आखिरकार वो चलते चलते यहूदियों के मंदिर में आ पहुंचा। वहीं दूसरी ओर हर्षल को अपने पड़पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बेन के घर गया और वहां रखी पुरानी तस्वीरों को देखने लगा। तभी अचानक उसे एक ड्राइंग मिली जो बेन ने बचपन में बनाई थी। बेन ने अपने माता पिता को बूप और बॉप नाम दिए थे। तब जाकर हर्षल को एहसास हुआ कि बॉब अपने माता पिता के नाम पर ही वो ऐप बना रहा था। उसे समझ आया कि वो उनसे कितना प्यार करता है और हर्षल बिना बात ही उसे अपने परिवार पर कलंक समझता रहा। अब उसने खुद यूरोप जाकर बेन को वापस लाने का फैसला किया। उधर मंदिर में लोगों ने बेन को अपने मरे हुए परिवार वालों को श्रद्धांजलि देने को कहा, जिससे बेन काफी भावुक हो गया।
पर तभी हर्षल वहां आ पहुंचा और उसने बेन से दिल से माफी मांगी। उसने कहा कि बेन के माँ बाप को जरूर उस पर नाज होगा। आखिरकार बेन मान गया और वो दोनों एक तालाब पर घूमने गए जहाँ हर्षल और सारा 100 साल पहले जाया करते थे। यहाँ उन दोनों ने मिलकर फिर से अचार का बिजनेस खोलने का फैसला किया और बेन ने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने का जिम्मा उठाया। आखिरकार वो दोनों ब्रुकलिन लौट आए और सारा की कब्र पर फूल चढ़ाए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।